हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर रहे थे तो वो एक नए अवतार में नजर आए, वो मास्क वाले अवतार में नजर आए। आप भी अगर घर से बाहर निकल रहे हैं, बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलिए और कोई भी मास्क अपना सकते हैं आप, जो घर में बना हुआ मास्क है उसका भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन इस बीच आपको मैं इंदौर के बारे में याद दिलाना चाहती हूँ और ये बताना चाहती हूँ कि क्यों इस वक्त बहुत जरूरी है लॉकडाउन। तो इंदौर का किस्सा तो आपको याद ही है, स्वास्थ्यकर्मी वहां पर गए थे टाटपट्टी में और उसके बाद कैसे उनको दौड़ाया गया था। अब इंदौर मध्य प्रदेश का हॉट स्पॉट बन गया है। आज खबर आई एक डॉक्टर की मौत की और आपको पता है कि पूरे देश में जो संक्रमितों की तादाद है इंदौर उसमें 4 गुना ज्यादा है इंदौर में। और इसीलिए अब ये रिपोर्ट आपको बहुत तरीके से देखनी जरूरी है और उन तमाम लोगों को ज्यादा जो अपने इलाकों में स्वास्थ्य कर्मियों को घुसने से रोक रहे हैं, ये रिपोर्ट देखें। ये वो खुशनसीब लोग हैं जो कोरोना की जंग जीतकर अपने घर लौट रहे हैं, इसलिए उन्हें शानदार अंदाज में विदा किया गया। इंदौर के अरविंदो हॉस्पिटल में भर्ती एक डॉक्टर समेत 12 लोगों को छुट्टी दी गई है। मैं इधर अरविंदो में पिछले 10 दिन से भर्ती हूँ और यहाँ पे हमारा बहुत अच्छा ख्याल रखा गया है पूरी डॉक्टर की टीम द्वारा, नर्सिंग स्टाफ, बाकी पूरे हेल्थ प्रोफेशनल्स द्वारा, तो मैं बहुत आभारी हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत राहत मिल रही है। 20-25 दिन हो गए हमें घर से बाहर निकले हुए, अब जाके हमें बाहर निकाला है, डॉक्टर ने बहुत अच्छा ख्याल रखा है आके। महामारी को हराने की चमक इन लोगों के चेहरे पर साफ तौर पर देखी जा सकती है। लेकिन इंदौर के अरविंदो अस्पताल में कोरोना के कुल 197 मरीज थे, 12 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं लेकिन अभी भी 185 मरीजों का इलाज चल रहा है। 17 पहले हो गए थे और 12 इनको मिला लिया जाए तो अभी तक कुल 29 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। 20 लोग अभी और भी ऐसी श्रेणी में है जो इनको भी हम आगामी कुछ दिनों में डिस्चार्ज कर देंगे। इंदौर मध्य प्रदेश में कोरोना का हॉटस्पॉट है। एक दिन पहले ही यहां प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले 65 साल के एक डॉक्टर ओम प्रकाश चौहान की मौत हो गई। इंदौर में कोरोना से डॉक्टर की मौत का ये दूसरा मामला है। 9 तारीख को एक प्राइवेट प्रैक्टिसनर डॉक्टर शत्रुघ्न पंजवानी की भी मौत हो गई थी। आशंका जताई जा रही है कि दोनों डॉक्टरों को संक्रमण एक ही तरह से हुआ होगा। क्लिनिक पर मरीजों की जाँच करने के दौरान उनके संक्रमण की चपेट में आने की आशंका है। 2 दिन पहले इनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी और किसी तरह की इनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री नहीं है। निश्चित से ही प्रतीत होता है कि इन्होंने जो मरीज देखे हैं उनमें से किसी के संपर्क में आए होंगे जिससे इनको यह संक्रमण हुआ होगा। इंदौर में हालत किस कदर बिगड़ रहे हैं इसका अंदाजा कोरोना से हो रही मौत के आंकड़ों से लगा सकते हैं। 10 अप्रैल तक के डेटा के मुताबिक देश में जहाँ कोरोना से मौत की दर 3.20% है, वहीं अकेले इंदौर में कोरोना से मौत की दर है 11.06%। यानी पूरे देश में कोरोना से हो रही मौत के लगभग 4 गुना मौत अकेले इंदौर में हो रही है। इस बीच इंदौर में मेडिकल टीम पर पथराव करने के मामले में जिस जावेद खान नाम के शख्स को जबलपुर जेल भेजा गया था उसका कोरोना टेस्ट भी पॉजिटिव निकला। ICMR लैब से आज सुबह मिली रिपोर्ट में जावेद को कोरोना होने की पुष्टि हुई है। जावेद के खिलाफ NSA लगाकर उसे जबलपुर जेल भेजा गया था।